Good morning, children. Welcome to your English class. Children, today I am going to teach you a new topic in your English grammar, and that is question and statements. Question and statements. Children, I hope you all watched my previous video of the sentence. You know? The sentence. Now, what is sentence? Okay. Sentence are the group of words. You know? Sentence kya hai? Ek bar hum 2 minutes revise kar lete hain. Sentence is a group of words, यानी बहुत सारे words इकट्ठे होते हैं तो एक sentence बनता है. But this is not happening every time, है ना, ये हमेशा नहीं है. अगर आप sentence को properly arrange करते हैं, if the sentence are arranged properly और जिसका कोई sense है, then only it is called sentence, है ना. Like if I say door shut you please, अगर मैं बोलती हूँ डोर शट यू प्लीज, मतलब मैंने वर्ड्स तो लिया है बट आई हैव नॉट अरेंज द वर्ड्स, है ना. कोई वर्ड्स आगे है, कोई वर्ड्स पीछे है, कोई वर्ड्स मतलब लास्ट में है, कोई फर्स्ट में है, तो लाइक दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस. इफ आई आस्क यू यू प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, दैट मीन्स ये जो वर्ड्स हैं मैंने प्रॉपरली अरेंज किया है. जो वर्ड्स प्रॉपरली अरेंज करते हैं और जिसका कोई सेंस निकलता है, यानी कुछ मीनिंग निकलता है, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस, है ना. ओके, नंबर टू, सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नंबर थ्री, सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप. सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है. ओके, नाउ कोई भी स्टेटमेंट हमेशा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हमेशा सेम नहीं होता है. ओके, दिस वी आर द डिफरेंस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन. ओके, कौन सा सेंटेंस अलग है. ओके, क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स, नेम ऑफ द टॉपिक इज क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स. ओके, लेट अस स्टार्ट. नंबर वन, ऑल सेंटेंसेस आर नॉट सेम. इसका मतलब है सारे सेंटेंस सेम नहीं होते हैं. ओके, नाउ यू हैव योर डाउट और आप क्वेश्चन करना चाहते होंगे कि फिर सेम नहीं होते तो क्या होता है, राइट. ओके, कम ऑन लेट अस स्टार्ट. अगर सेम नहीं है तो क्या है. सम ऑफ देम आस्क क्वेश्चंस, यानी कुछ कुछ सेंटेंस हमें क्वेश्चन पुट करते हैं. लाइक मे आई ड्रिंक वाटर, वॉट इज योर नेम, वेर डू यू लिव, वेर इज माई पेन, वॉट्स द टाइम राइट नाउ, वॉट इज द टाइम राइट नाउ, ना वेर डू यू लिव. ओके, वेन इज योर बर्थडे, वेन इज योर बर्थडे, इसका मतलब है कोई कोई सेंटेंस है जो हमें क्वेश्चन आस्क करता है, यानी क्वेश्चन पूछता है जिसका हमें आंसर देना होता है. वी एक्सपेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, दिस आर कॉल्ड द क्वेश्चंस, दिस आर कॉल्ड द क्वेश्चंस. ओके, नाउ वन मोर थिंग, रिमेंबर चिल्ड्रन, द दे एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. दे एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क. ओके, हमेशा तभी वो क्वेश्चन कहलाएगा जब अगर वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है और वो हमसे एक आंस करता है, कुछ पूछता है, दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन. दिस आर द वो सेंटेंस क्वेश्चन कहलाता है. ओके, नंबर थ्री, सम ऑफ देम एंड्स विद फुल स्टॉप. कोई कोई सेंटेंस है जो फुल स्टॉप से एंड होता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस और स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स दे आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स, जो हमें रिप्लाई में एक लाइक सेटिस्फाइड आंसर देता है या पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंस होता है ना, कंप्लीट सेंस होता है और वो फुल स्टॉप से एंड होता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स. ओके, सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स, जो हमसे कुछ क्वेश्चन आस्क करता है, कुछ पूछता है और एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, उसे बोलते हैं क्वेश्चंस. एंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स हमें एक कंप्लीट सेंस दे देता है कि एक कंप्लीट लाइक सेटिस्फाइड सेंस,
और एंड में फुल स्टॉप आता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स. ओके, नाउ जस्ट मूव टू दिस साइड. ना आई हैव रोट सम ऑफ द दिस वन सेंटेंसेस. दिस इज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंसेस, बट यहाँ पर डिफरेंस है, कोई तो क्वेश्चन है और कोई स्टेटमेंट है. हाउ आर यू, हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो. मैंने आपको पूछा है हाउ आर यू, सो दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज रेडी दिस एंड विद क्वेश्चन मार्क, तो इसे कहलाते हैं क्वेश्चन. ओके, नंबर टू, वॉट इज योर नेम, वॉट इज योर नेम. आई आस्क यू सम क्वेश्चन, मैंने आपको कुछ पूछा है, वॉट इज योर नेम, सो वॉट इज गोइंग टू कम हियर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, वॉट इज योर नेम. तो आप मुझे आंसर दोगे, माई नेम इज सो एंड सो, राइट. इफ आई पुट अ फुल स्टॉप ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाती हूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा. वॉट इज योर नेम, आई हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ करेक्ट सेंटेंस. नंबर थ्री, नंबर थ्री, माई नेम इज स्वाति, माई नेम इज स्वाति. आई गेव यू कंप्लीट सेंस, है ना, मैंने आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस दे दिया, माई नेम इज स्वाति. ओके, सो हियर आई विल पुट फुल स्टॉप, हियर आई विल पुट फुल स्टॉप, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट. ओके, नंबर थ्री, आई एम ड्रिंकिंग वॉटर, नंबर फोर सॉरी, आई एम ड्रिंकिंग वॉटर, मैंने एक कंप्लीट सेंस दे दिया आपको कि मैं पानी पी रही हूँ. आई एम ड्रिंकिंग वॉटर, मैंने कुछ पूछा नहीं है, आई डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, सो दिस इज कंप्लीट सेंटेंस एंड दिस इज स्टेटमेंट. यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो ये है स्टेटमेंट. नंबर फाइव, मे आई ड्रिंक वॉटर, मे आई ड्रिंक वॉटर, आई एम आस्किंग योर परमिशन, मैंने आपसे परमिशन पूछा है, मे आई ड्रिंक वॉटर, सो दिस इज क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन. Okay, this is question. Me, I drink water. This is question I have asked. तो मैंने question पूछा है, may I drink water? So I'll put a question mark over there. This is called question state sentence. Okay, these are the differences. जब हम कोई question पूछते हैं तो हमें उसमें question mark लगाना होता है, और जब complete sentence है जिसका questions नहीं है, that is called statement, और उसमें full stop लगता है. One more thing, children. Very important. There are some of the question words. है ना, बहुत important है आपके लिए कि कुछ कुछ words है, होता है question words होते हैं, that always starts, many times it starts with WH. Many times it starts with WH. Okay, now can you see why? Q. Why are you late for the class? Why are you late for the class? आप क्लास के लिए लेट क्यों हो गए? Why? So remember children, आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है, जब भी कोई सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है. यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. Why? When? कब? When? है ना? Okay. What? What? क्या? What do you like to eat? What do you like to eat? आप खाने में क्या पसंद करेंगे, है ना? तो आप मुझे आंसर दोगे कि I like to eat, I would like to eat, ऐसा आंसर दोगे. So this is question. जब भी WH से होता है वो जो क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में, ठीक है, आप और हमेशा देख लेना, जहाँ भी WH आएगा वहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए. This is a great big hint for you. Which is your jacket? Which is your jacket? Which is your jacket? And where is my pen? Where is your house? Where do you live? मैंने आपको पूछा है, where is my pen? मेरा pen कहाँ है? Okay. And some of the questions starts with how are you? है ना? How is your class going on? यानी मैंने आपको कुछ questions पूछा है, वो उसमें how भी आता है, ठीक है? How? Okay, so children, for this year we are going to learn WH, how, मतलब ये statements and question पढ़ेंगे हम, ठीक है? इसमें आपको like you have to just rectify कि कहाँ पे हमें question mark लगाना है, when we have to put the full stop. These two things you are going to learn in this lesson. Okay, children,
In my next video, I'll send you some of the exercises of these statements and questions. Till then, goodbye, children.